हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। और गुरुग्राम में आज हरियाणा गरिमा 2019 अवार्ड सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आपको बता दें इसमें प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों में कामयाबी हासिल करने वाली प्रतिभाओं को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में हरियाणा न्यूज की एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता को उनके मीडिया में अभूतपूर्व योगदान के लिए गरिमा अवार्ड से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में सिरसा से बीजेपी सांसद सुनीता दुग्गल मौजूद रहे। इस मौके पर बॉलीवुड खेल जगत आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के साथ साथ हर उस फील्ड से लोगों को चुना गया जिन्होंने हरियाणा का नाम न केवल प्रदेश स्तर पर बल्कि देश में भी रोशन किया है। इस अवसर पर बॉलीवुड कलाकार यशपाल शर्मा ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम होना बेहद जरूरी है। कार्यक्रम के आयोजक जैकलिन जिंदल ने जानकारी देते हुए बताया कि अलग अलग क्षेत्रों से प्रतिभाओं को गरिमा अवार्ड सम्मान से नवाजा गया जिसमें देश प्रदेश की प्रतिभा आज शामिल हुई। जरूरी है, देखो जंगल में मोर नाचा किसने देखा, बहुत सारे लोग बहुत काम करते हैं अच्छा अच्छा, और जो पैसे वाले हैं जो जान पहचान के लोग हैं वो तो उनको तो फटाफट अखबारों में मीडिया में जगह मिल जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको जिनको कोई तरजीह नहीं मिल पाती है। तो जैकलिन जिंदल जिस तरीके से काम कर रही है और उनकी पूरी टीम, मैं उनको पूरा मेरा हमेशा सपोर्ट रहेगा और हमेशा रहा भी है, क्योंकि ऐसे अवार्ड देना अलग अलग फील्ड में, पुलिस के फील्ड में, हर ट्रैफिक के पुलिस फील्ड में, आर्ट के फील्ड में, डांस के फील्ड में, सिंगिंग के फील्ड में, हर तरह के फील्ड में वो उस तरीके के उन लोगों को बूस्टअप करना कलाकारों को, तो ये बहुत ही एक प्रेस्टीजियस बात है और हमारे लिए भी बहुत गर्व की बात है कि हरियाणा गरिमा अवार्ड्स का ये सेकेंड सीजन है एंड डेफिनेटली बहुत ही ओवरवेलमिंग फीलिंग्स है ये। एंड वी हैव अवार्डीज जो है, हमारे एक्टर यशपाल जी है, एमडी जी है, एंड विश्वास चौहान है, बहुत सारे अभी एक एक नाम अभी याद नहीं आ रहा है। यशपाल जी की वाइफ है प्रतिभा, राज नेहरू जी है, राज नेहरू जी है, बहुत सारे मतलब हरियाणा से, आपके हरियाणा चैनल से प्रतिमा दत्ता जी भी है, द चीफ गेस्ट वाज सुनीता दुग्गल, शी इज द ओनली फीमेल एमपी दैट वी हैव इन हरियाणा, राइट।